हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सिंपली आपको पहले अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद दोस्तों आप क्या होता है कि आप भी किसी ग्रुप में ज़रूर जुड़े रहते हैं दोस्तों। और कोई व्यक्ति कभी ऐसा होता है कि आपको बिना पूछे आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर देता है, चाहे वो कोई भी हो दोस्तों, आपको मर्जी के खिलाफ अगर कोई आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर देता है, जिसके कारण आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों। आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतना नोटिफिकेशन, इतना मैसेज, इतना वीडियोज फोटो आते रहते हैं दोस्तों, बार बार आपके पास नोटिफिकेशन आता रहता है, जिसके कारण आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं दोस्तों, जिससे आपको बहुत ही डिस्टर्ब फील होता होगा दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मर्जी के खिलाफ आपको कोई भी किसी भी ग्रुप में ऐड न कर पाए दोस्तों, तो सिंपली इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। तो सिंपली आपको ऊपर थ्रू डॉट में जाना है। थ्रू डॉट में जाने के बाद दोस्तों सिंपली आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अकाउंट में जाना है दोस्तों। अकाउंट में जाने के बाद फिर से आपको प्राइवेसी में चले जाना है। प्राइवेसी में जैसे ही आप जाएंगे दोस्तों, एक ग्रुप का आपको ऑप्शन देखा, सिंपली आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये ग्रुप बंद रहता है, पहले से ही ग्रुप बंद रहता है, जिसके कारण आपको कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रुप में ऐड कर देता है, जिसके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है दोस्तों। अगर आप इसको माय कॉन्टैक्ट पर कर देते हैं दोस्तों, तो आपको वही व्यक्ति सिर्फ किसी भी ग्रुप में जोड़ पाएगा जो आपके कॉन्टैक्ट में सेफ रहेगा दोस्तों। सिर्फ वही आपको किसी भी ग्रुप में जोड़ पाएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रुप में ऐड न कर पाए, तो सिंपली आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर जाना है, इसको सेलेक्ट, सबको सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। और फिर जो राइट का आइकन है दोस्तों, सिंपली आपको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो कोई भी व्यक्ति आपको मतलब कभी भी किसी भी ग्रुप में नहीं जोड़ पाएगा बिना आपके ऑर्डर के खिलाफ दोस्तों। जब तक आप नहीं एग्री होंगे, तब तक आपको कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रुप में नहीं ऐड कर पाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग हम दूसरे सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अगर व्हाट्सएप पर आप भी अगर किसी के भी अगर पर्सनल चैट करते हैं दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि हमारा जो पर्सनल चैट है अगर कोई भी ना देख पाए, या फिर आप किसी अपने गर्लफ्रेंड से बात करते हैं और आप सोचते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स या फिर हमारे फ्रेंड्स उसको ना देख पाए हमारे चैट को दोस्तों, तो सिंपली इसके लिए आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा दोस्तों, जिसको करने के बाद कोई भी आपके पर्सनल चैट को देख नहीं पाएगा दोस्तों। चलिए मैं उस सेटिंग को बतला देता हूँ। सबसे पहले आपको थ्री डॉट में जाना है। थ्री डॉट में जाने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के आपको चैट का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, आपको चैट में चले जाना है। चैट में जाने के बाद दोस्तों आप नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर चैट हिस्ट्री रहेगा दोस्तों। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आता है दोस्तों। यहाँ पे एक ऑप्शन आता रहता है आर्चीव ऑल चैट दोस्तों, जिसको आप ऐसे इसको करेंगे दोस्तों, सेलेक्ट करेंगे, आपका सारा चैट हिडन हो जाएगा दोस्तों, हाइड हो जाएगा, आपके चैट को कोई भी नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हमारा सारा चैट जो है हिडन हो चुका है दोस्तों, इसको कोई भी आप नहीं देख पाएगा जब तक कि फिर से आप उसको ऑन नहीं करेंगे दोस्तों। व्हाट्सएप की अगली सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप भी किसी न किसी ग्रुप से तो अवश्य जुड़े होंगे दोस्तों, तो आपको पता ही होगा कि उसमें कितने सारे मैसेजेस आते रहते हैं, फोटोज वीडियोज आते रहते हैं दोस्तों। तो क्या होता है कि कभी अगर कोई वीडियो चाहे मैसेज या फिर कोई भी शायरी चाहे कुछ भी आपको अगर पसंद आ जाता है दोस्तों, तो अगर आप उस टाइम अगर खाली नहीं हो, अगर आप उसको नहीं देख पा रहे हैं या फिर नहीं पढ़ पा रहे हैं दोस्तों, तो आप सोचते हैं कि मैं इसको कभी बाद में फुर्सत में पढ़ लूँगा दोस्तों। जब फिर आपको टाइम मिलता है उसको, जब जाते हैं ग्रुप में दोस्तों, इंटर होते हैं, तो आप जब उस मैसेज को सर्च करने लगते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया होता है दोस्तों, जिसको आपको खोजने में बहुत सारा टाइम लग जाता है दोस्तों। तो ऐसे में क्या करना है दोस्तों कि आपको तुरंत ही आप उस मैसेज या वीडियोज़ को बहुत ही आसानी से देख लें, सुन लें या फिर पढ़ लें दोस्तों। तो इसके लिए सिंपली आपको उस ग्रुप में जाना है और जो भी वीडियोज आपको पसंद आ गया दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि हम उसको बाद में देख लेंगे, सुन लेंगे या फिर पढ़ लेंगे दोस्तों, तो सिंपली आपको उसके ऊपर ही लॉन्ग प्रेस करना है दोस्तों। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको ऊपर कुछ आइकन शो होने लगेंगे दोस्तों, तो सिंपली आपको एक स्टार का आइकन शो होगा दोस्तों, सिंपली आपको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना दोस्तों। और ये जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका ये जो मैसेज चाहे वीडियो चाहे कोई भी SMS शायरी हो दोस्तों, आपको वो बुक मार्क हो जाएंगे, आपको व्हाट्सएप में सेव हो जाएंगे दोस्तों। तो अगर आप जो आपको जब भी टाइम मिलता है, अगर आपको उस मैसेज को पढ़ना है फिर या फिर उस वीडियो से कुछ देखना है, सुनना है दोस्तों, तो आपको सिंपल फिर से करना क्या होगा, ऊपर थ्री डॉट में जाना होगा दोस्तों। थ्री डॉट में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है स्टार्ट मैसेज का दोस्तों, सिंपली आपको इसके ऊपर ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो भी आपने मैसेज को बुक मार्क किया था दोस्तों, स्टार्ट किया था दोस्तों, वो मैसेज, वो वीडियो हो चाहे फोटो, आपको यहाँ पर सेफ मिलता है दोस्तों। यहाँ पर वो ऑलरेडी सेफ मिलता है और आप उसको यहाँ से प्ले करके फिर से आराम से उसको बहुत ही आसानी से देख पाएंगे दोस्तों, पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे दोस्तों।
तो है ना दोस्तों, एक कमाल की ट्रिक। तो दोस्तों आप वैसे ही किसी मैसेज को स्टार्ट मैसेज करके आप उसको बाद में भी रीड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो गाइज आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों। आज की वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार। आप हमारे चैनल पर भी नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट किया करो यार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।